आप पूरा नाम जानते हैं जी। क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट प्लान। बिल्कुल, अब नाम से पता चल रहा होगा ना, सर ने वहाँ पे ब्रीफ भी कर दिया था कि हम लोग क्या करते हैं, सगंध और औषधीय पौधों पर रिसर्च करते हैं। सगंध पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिसमें कुछ स्पेशल टाइप का एक फ्रेग्रेंस या अरोमा पाया जाए, उनको हम लोग बोलते हैं सगंध पौधे। और औषधीय पौधे वो होते हैं जिनका हम उपयोग कहीं ना कहीं दवा के रूप में करते हैं, किसी चीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, सगंध पौधों का अधिकतम जो उपयोग होता है वो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री करती है, जिसे आप कॉस्मेटिक वगैरह बनाने के लिए ना, जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सगंध पौधों का उपयोग, कुछ ऐसे सगंध पौधे हैं जिसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में भी करते हैं, जैसे आप लोगों ने जराकुस या लेमन ग्रास का नाम सुना होगा, है ना। तो आप लोगों को जब लगता है ना कि कुछ खांसी जुकाम हो रहा है तो आप लोग उसको चाय में डाल करके पीते हैं या काढ़ा बना करके पीते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका हम मेडिसिनल उपयोग भी करते हैं। तो अभी इस ब्लॉक में लगभग 140 के आसपास पौधे लगे हुए हैं। और जैसा कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, सबसे अपर पार्ट पे हमारा कौन सा पार्ट होता है बॉडी का? हेड। हेड में भी क्या होता है? हेयर्स, है ना। तो अभी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं सामने, ये पीछे पौधा दिख रहा है ना आप लोगों के सामने, तो ये दो ऐसे पौधे हैं, एक तो पीली भृंगराजा, दूसरा नॉर्मल भृंगराजा, जिसका प्रयोग किया जाता है बालों को मजबूत बनाने के लिए, है ना। गांव में भंगरैया बोलते हैं, नाम सुना है? नाम सुना है ना। तो उसका क्या किया गया? कुछ नहीं, बस कलेक्शन किया गया। कलेक्शन करने के बाद ला करके यहाँ पे साइंटिफिक उसका रिसर्च की गई और उसका एक्टिविटी देखा गया। एक्टिविटी जब पता लगा कि हाँ इस चीज़ पर ये इफ़ेक्टिव है, तो उसको उसी ब्लॉक में ला करके लगा दिया गया, है ना। इसके अलावा जब हेड से नीचे आते हैं हम लोग, तो आपका ब्रेन है, है ना। तो जहाँ पे आप खड़े हैं जस्ट पीछे वाला ब्लॉक जो है वो ब्रेन का पार्ट है, जहाँ पे आपका बबूल लगा हुआ है, ब्राह्मी लगा हुआ है, गंगा तुलसी लगी हुई है, है ना। तो वो जो है आपका ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका राइट साइड वाला जो पार्ट है वो स्किन के लिए है, जहाँ पे आपका एलोवेरा वगैरह लगा हुआ है, है ना। इसके अलावा एक आयरनथस लगा हुआ है जिसको आप चिटचिटा बोलते हैं, है ना। बहुत मैक्सिमम पौधे आप लोग पहचान रहे होंगे, है ना। पीछे अगर आप लोग देखें तो गुड़हल लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, आपका हार्ट किस साइड में होता है बॉडी के, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड। पक्का? कंफर्म होना? तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट किस साइड में होगा? ये, है ना, ये लेफ्ट होगा ना। तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा हार्ट ब्लॉक लगा हुआ है ना। आप लोगों ने ही बताया है कि हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड पे होता है। इसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए राइट साइड में लगाया गया है। तो वहाँ पे जो भी पौधे लगे हैं सब रेस्पिरेटरी डिजीज को कंट्रोल करते हैं, है ना। आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे ये ब्रेन के आगे, तो नीचे आपका जो है लीवर वाला पार्ट आ जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आपका गिलोय वगैरह लगा हुआ है, कुंदरू आप लोग जानते हैं, कुंदरू की सब्जी खाई है, वो भी लगा हुआ है, वो भी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका स्टमक का पार्ट आ जाता है, ठीक है। जो भी पौधे जो स्टमक के लिए यूजफुल होते हैं उनको लगा दिया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर यूरिनोजेनाइटल वाला पार्ट आ जाता है। कुछ ऐसे पौधे जो यूरिनोजेनाइटल पे वर्क करते हैं, उनके डिजीजर डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको लगा दिया गया है, ठीक। फिर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे कुछ एरोमेटिक क्रॉप्स को लगा के रखा गया है, कुछ मेडिसिनल क्रॉप भी हैं साथ में, तो ये दिखाती हैं कि कुछ स्पेशल जहाँ पे इंडस्ट्री यूज होता है जिसका, है ना, इंडस्ट्री जिसको यूज करती है, तो वो भी लगा दिए गए हैं। राइट साइड में कुछ ऐसे पौधे लगा दिए गए हैं जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिजीजेज में काम आते हैं, है ना। तो अभी तो आपको मोटी मोटा पता चल गया, लगभग 15 मिनट आपके पास है, है ना। जितने भी पौधे हैं आप लोग सबको देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या अगर फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। और आप लोग चूँकि गाँव मतलब विलेज बैकग्राउंड से आए हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग 40% पौधे ऐसे होंगे जिनको आप पहचान रहे होंगे, है ना। लेकिन उसका यूज नहीं, आपको चेंज कर लेना, इधर वाले दाएं वाले बाएं, बाएं वाले दाएं, फ्राइडे